अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अक्की और मास्टर कुकिंग विद अक्की में आप सबका स्वागत है। इस पूरे वर्ल्ड में चिकन से बनने वाली बहुत सारी रेसिपीज है और नॉन वेजिटेरियन के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। चिकन कुक करने वाले के लिए भी बेस्ट है और खाने वाले के लिए भी। तो आज हम आपके साथ एक ऐसी ही मज़ेदार सी चटाकेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं और ये रेसिपी सबसे बेस्ट रेसिपी है। आप अगर बनाएंगे खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चलिए तो आज हम आपके साथ शेयर करते हैं बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही में बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। शुरू करते हैं रेसिपी। 800 ग्राम चिकन ले लिया है विथ बोन। सबसे पहले हम कढ़ाई मसाला रेडी कर लेंगे। एक ब्लेंडर जार के अंदर 3 हरी इलायची ऐड कर दी है, 2 तेज पत्ता ऐड कर दिया है, 2 दालचीनी आधी सी जावंत्री, 2 फूल बादियान, 1 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून सौंफ, आधी टीस्पून लौंग, आधी टीस्पून काली मिर्च, 2 टीस्पून सूखा धनिया ऐड कर देंगे। साथ ही में ऐड करते हैं 2 टीस्पून जीरा। ये बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर देने वाला है मसाला। साथ ही में ऐड करते हैं 2 टीस्पून कोकोनट पाउडर यानी कि सूखे नारियल का पाउडर। साथ ही में ऐड करते हैं 1 टीस्पून नमक, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून आधी टीस्पून चीनी। और ये देखिए क्या मज़ेदार सा चिकन कढ़ाई मसाला बनकर तैयार है। क्या खुशबू आ रही है सच में। तो अब हम मैरिनेशन के लिए ऐड करते हैं 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट, 2 टीस्पून हरी मिर्च की पेस्ट और हमारा तैयार किया हुआ कढ़ाई मसाला। साथ ही में ऐड करते हैं 1/2 कप दही। चिकन मैरिनेशन में खटास होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए हम इसमें ऐड करते हैं दही या फिर नींबू भी आप ऐड कर सकते हैं। और अब हम एक अच्छे से मिक्स दे देंगे ताकि हमारा सारा मसाला जो है वो चिकन को अच्छी तरह से कोट कर ले और मैरिनेट के लिए रेडी हो जाए। आखिर में हम ऐड करते हैं 2 टीस्पून घी, देसी घी। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आती है। इसे मिक्स करके अब हम चिकन को 1 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। 1 घंटे के बाद हमने यहाँ ले ली है एक कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर ऐड करते हैं 1/2 कप ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हम ऐड करते हैं 2 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज। स्लाइसेस में हमने कट कर लिया है और गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद इसमें हम ऐड करते हैं 1 कप टोमेटो प्यूरी। टोमेटो को कद्दूकस कर लिया है और इसकी अच्छे से फ्रेश टोमेटोज की प्यूरी बना ली है। अब हमें टोमेटो को अच्छी तरह से सौते कर लेना है जब तक कि उसका पानी सूख जाए। देखिए टोमेटो सौते हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन। अच्छी तरह से चिकन को ऐड करने के बाद हम इसे हल्के हाथों से एक मिक्स दे देंगे और ये हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई, तो ऑफकोर्स इसे हम कढ़ाई में ही अच्छी तरह से कुक करेंगे। ये रेसिपी बहुत टाइम सेविंग रेसिपी है। बस आपने एक बार इसे ऐड कर दिया मैरिनेटेड चिकन, बाद में इसे 15 मिनट के बाद हमें इसे खोल के देखना है। और ये देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है और बहुत ही बढ़िया कलर अभी आ गया है। 15 मिनट आप दूसरा कोई काम भी कर सकते हैं। साथ में ऐड कर दिया है धनिया और पुदीना, फ्रेश धनिया और पुदीना।
क्या मजेदार सा कलर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। अब 5 मिनट सिमर करने के बाद देखिए कम्प्लीटली हमारी चिकन ऑयल सेपरेट हो चुकी है। इसमें हम ऐड करते हैं 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। क्रीम और कसूरी मेथी ऐड करने से चिकन का जो फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया आता है और खुशबू में 4 चांद लग जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, क्रीम ऐड करने के बाद हमें बस सिर्फ 5 मिनट इसे कवर करके सिमर कर लेना है और ये हमारी चिकन कढ़ाई कम्प्लीटली बनकर तैयार हो जाएगी। है ना एकदम आसान तरीका। देखिए 5 मिनट के बाद कितनी मज़ेदार सी तली आ गई है और इसे आखिर में हम जिंजर जुलियन के साथ सर्व कर लेंगे। चलिए तो अब हम चिकन कढ़ाई बनाई है तो ऑफ कोर्स एक छोटी सी प्यारी सी कढ़ाई में इसे सर्व करेंगे। और ये देखिए गर्मा गर्म चिकन कढ़ाई, आपके भी मुंह में पानी आ गया होगा, ये सही है। तो फिर आप किसकी वेट कर रहे हैं, आप भी उठिए जाइए किचन में और अपनी फैमिली के लिए बढ़िया सी चिकन कढ़ाई बनाइए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मुझे आप सबकी दुआओं में याद रखिए। रमजान आ रहे हैं तो आप ये रेसिपी सुहूर में या फिर इफ्तार में, डिनर में भी आप अच्छी तरह से कुक कर सकते हैं, अपने गेस्ट को इम्प्रेस कर सकते हैं ये रेसिपी से। तो फिर देखते रहिए मास्टर कुकिंग विद अक्की। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में।